लेकर उपचुनाव की घोषणा। कांग्रेस ने चला बड़ा दाव, कांग्रेस ने किए एक तीर से कई शिकार। प्रियंका गांधी को वायनाड से दिया टिकट। रायबरेली और वायनाड उत्तर से दक्षिण तक सब साधने की जुगत। नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। देश में एक बार फिर चुनावी बिगुल बज गया है। महाराष्ट्र झारखंड के साथ यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और लोकसभा की खाली पड़ी 2 सीटों पर भी उपचुनाव होने वाले हैं। चुनाव का ये त्योहार 13 नवंबर से शुरू होगा और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। इसी के साथ सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच लोकसभा की एक सीट पर काफी चर्चा हो रही है और वो है केरल की वायनाड सीट। जी हाँ, ये वही सीट है जहां से कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा का चुनाव जीते थे, लेकिन उन्होंने ये सीट छोड़ते हुए रायबरेली सीट को जारी रखने का फैसला किया था, जिसके बाद से ये सीट खाली पड़ी थी। वायनाड सीट कांग्रेस की अहम सीट मानी जाती है, वो इसे किसी भी हालत में अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। यही कारण है कि कांग्रेस ने यहाँ से प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा है। प्रियंका को वायनाड से उतारकर गांधी परिवार ने एक तीर से कई शिकार किए हैं। कैसे, आइए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। चुनाव आयोग ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। 13 नवंबर को केरल की इस अहम सीट पर मतदान होगा। वायनाड से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अपना चुनावी डेब्यू करने जा रही है। ये सीट उनके भाई राहुल गांधी के रायबरेली को चुनने की वजह से खाली हुई थी। वहीं चुनावी समर में प्रियंका की एंट्री कांग्रेस की सियासत में एक नया अध्याय है। ये उत्तर के साथ दक्षिण को बैलेंस करने की जुगत तो है ही, साथ ही गांधी परिवार की कांग्रेस पर पकड़ को भी मजबूत करने की कोशिश है। अगर प्रियंका वायनाड से जीतती हैं, तो ऐसा पहली बार होगा जब नेहरू गांधी परिवार के 3 सदस्य संसद में साथ होंगे। राहुल और प्रियंका की मां सोनिया गांधी अब राज्यसभा की सदस्य हैं, तो वहीं राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। आपको बता दें, वैसे तो प्रियंका गांधी 1999 से राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन वह पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं। शुरू में उन्होंने मां और फिर भाई राहुल के लिए भी चुनाव प्रचार किया था। बाद में उनकी लोकप्रियता बढ़ती देख पार्टी ने जनवरी 2019 में प्रियंका को पूर्वी उत्तर प्रदेश से पार्टी महासचिव बनाया। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका ने कांग्रेस को यूपी में फिर से खड़ा करने की खूब कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी प्रियंका ने कांग्रेस की चुनावी रणनीति का नेतृत्व किया। कहा यह भी जा रहा था कि बीते लोकसभा चुनाव में रायबरेली सीट से प्रियंका चुनाव लड़ सकती हैं, हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब वो मैदान में उतर गई हैं। जाहिर है कांग्रेस अपनी खोई जमीन हासिल करने में लगी हुई है। प्रियंका गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ाने का कांग्रेस का फैसला इस बात का संकेत है कि गांधी परिवार दक्षिण भारत में इस लोकसभा सीट को अपना गढ़ मानता है। कांग्रेस को लगता है कि प्रियंका के वायनाड से उतरने से गांधी परिवार को उत्तर और दक्षिण दोनों में मौजूदगी बनाए रखने में मदद मिलेगी। कांग्रेस आलाकमान शायद प्रियंका को केरल में अपनी सबसे बड़ी गारंटी के रूप में देख रहा है। इसका यह भी मतलब है कि प्रियंका राज्य में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी के अभियान का नेतृत्व करेंगी। हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।